जो भगवान राम को समझते हैं कि भगवान राम सिर्फ उनका है, उनसे मैं कहना चाहता हूँ भगवान राम विश्व के भगवान। भगवान राम पर बोले फारूक अब्दुल्ला, इंटरनेट पर वीडियो वायरल हो गया। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने अखनूर की एक रैली में कहा, भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं है, ये पूरे विश्व के भगवान है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा, वे चुनाव के दौरान हिंदू खतरे में है का खूब इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप इसके झांसे में ना आए। हम कहते हैं अल्लाह को रबुल आलमीन आलमों का रब है, मानने वाले मानेंगे, नहीं मानने वाले नहीं मानेंगे। धर्म कोई भी खराब नहीं है, इंसान खराब है। चाहे आप किसी भी धर्म की किताब उठाकर देख ले, जब मैं अपना धर्म समझ लूंगा, सीख लूंगा, तो मुझे दूसरे का धर्म बुरा नहीं लगेगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स की अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। शिवम नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, ये हिंदू आस्था का सम्मान करते हैं, ये इस तथ्य का सम्मान करते हैं कि कश्मीर सभी का है। उनकी पार्टी में कई कश्मीरी पंडित नेता थे, उन्होंने घाटी में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की निंदा की। उसने कई बार कश्मीर पर भारत का बचाव किया है, लेकिन फिर भी स्वयं घोषित राष्ट्रवादी गिरोह इन्हें पाकिस्तानी कहने से बाज नहीं आता। मनीष सिंह नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, भगवान राम महाराज पुरुषोत्तम थे जिनसे सभी प्यार करते थे, वो एक आलोचना के प्रति भी संवेदनशील थे, उनके राज्य में सभी को न्याय सुनिश्चित था। सिर्फ उनके नाम का फायदा उठाकर लोगों को बेवकूफ बनाना, चुनाव जीतना एक दिन उल्टा पड़ेगा। भाजपा नेता प्रीति गांधी ने फारूक अब्दुल्ला के बयान का श्रेय पीएम मोदी को दिया और कहा, जब एक फारूक अब्दुल्ला को ये स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता है कि भगवान राम केवल हिंदुओं के नहीं है, वो विश्व के भगवान है, तो उसका श्रेय सिर्फ एक आदमी को जाता है, मोदी है तो मुमकिन है। एक ट्विटर यूजर ने भाजपा नेता को जवाब देते हुए कहा, आप अपने धर्म को खुद क्यों बदनाम कर रहे हैं, हिंदू धर्म के प्रति कुछ तो सम्मान दिखाए। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला के इस बयान को आप कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की हर वायरल न्यूज जल्द से जल्द आप तक पहुँचती।